माँ की कब्र बताकर लड़कियों को कब्रिस्तान ले जाया करते थे संजय दत्त। ब्रेकअप हो जाने के बाद करते थे कुछ ऐसा। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की लाइफ काफी सुर्खियों में रही है। संजय दत्त ने 3 शादियां की और उनकी कई गर्लफ्रेंड भी रही हैं। संजय दत्त की बायोग्राफी में इस बात का खुलासा किया गया है कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स रही हैं और प्रेमिका से जुड़ा एक किस्सा फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने भी सुनाया था। डायरेक्टर ने बताया कि संजय दत्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को इमोशनल करने के लिए उसे अपनी माँ की नकली कब्र पर ले जाया करते। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के बारे में काफी बातें की। उन्होंने बताया था कि कैसे संजय दत्त लड़कियों को खुद से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को किसी भी कब्र पर ले जाकर कहते थे कि वो उनकी माँ की है, हालांकि वो किसी और की होती थी, मगर वो ऐसा झूठ बोलते थे। इस बात के बारे में जब संजय दत्त से पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात मानी थी। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में जब कपिल ने उनसे पूछा था कि क्या वो सच में ऐसा करते हैं, तो इस बात के जवाब में संजय दत्त ने कहा था कि हर गर्लफ्रेंड को नहीं, कुछ को ही लेकर गए। संजय ने कहा, हाँ एक दो को लेकर गया था माँ से मिलाने, तब तो मिलाने के लिए कोई भी कब्र चल जाती थी। वहीं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने यह भी बताया कि अगर संजय दत्त का ब्रेकअप हो जाता था तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला भी लिया करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार संजय दत्त ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने उनके घर पहुंच गए और घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर टक्कर मार दी। बाद में उन्हें पता चला कि वो गाड़ी उनकी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि उसके नए बॉयफ्रेंड की थी। बता दें कि संजय दत्त की लव लाइफ काफी एक्टिव रही है और शादी भी उन्होंने 3 की। पहली शादी उन्होंने ऋचा शर्मा से की थी जो एक एक्ट्रेस थी। ऋचा का साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर के चलते निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने 1998 में रिया पिल्लई से शादी की और 2005 में ये शादी भी टूट गई। इसके बाद 2008 में संजय दत्त ने मान्यता से शादी की और दोनों के अब 2 बच्चे हैं। इनके अलावा संजय दत्त का नाम अपने उम्र से बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ा। संजय दत्त और टीना मुनीम के अफेयर के चर्चे फिल्मी गलियारों में काफी फैले। फिल्म साजन के वक्त उनका नाम माधुरी दीक्षित से भी जुड़ा था। इतना ही नहीं, रेखा के साथ भी संजय के अफेयर की खबरें एक वक्त में खूब फैली थी। तो एक्टर संजय दत्त का अपनी गर्लफ्रेंड्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए ऐसी हरकत पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।